पूरी दुनिया में भारत आज के समय में वर्ल्ड का लार्जेस्ट टू व्हीलर मार्केट है और ये मार्केट उन सभी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ले आता है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंडिया के भीतर लॉन्च करना चाहते हैं, स्पेशली टू व्हीलर्स। हवेवर यहाँ पर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स आपने देखे होंगे कि काफी ज्यादा लो स्पीड वाले होते हैं जो कि 25 किलोमीटर पर आवर तक ही टॉप स्पीड दे पाते हैं और मोस्टली दिस ऑल कम्स फ्रॉम चाइना। इसके अलावा इंडिया की भी कई सारी कंपनीज है जैसे कि एथर, टीवीएस, बजाज और भी कई सारी कंपनीज। बट अब यहाँ पर प्राइस टैग को लेकर एक काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन का माहौल बन चुका है और इसी श्रेणी में अब आ चुका है भारत का एक और स्टार्टअप जिसका नाम है सिंपल एनर्जी। दरअसल ये बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है और इनकी फर्स्ट हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर होने वाली है सिंपल मार्क 2। वैसे तो ये स्कूटर अभी तक लॉन्च हो जानी चाहिए थी लेकिन कोविड की वजह से इसके लॉन्च डेट डिले हो गई और अब May 15th को ही इसकी लेटेस्ट अपडेट पता चल पाएगी कि कब ये लॉन्च होने वाली है इंडिया के भीतर। बट अब यहाँ पर कई लोगों का ऐसा भी कहना है कि ये इसी साल के जुलाई में लॉन्च होने वाली है। तो अब जानते हैं इसकी खासियत के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में जो कि इसे बाकी के स्कूटर से काफी ज्यादा अलग बना देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मेक इन इंडिया का काफी ज्यादा ध्यान रखा गया है, लगभग 79-85% लोकल कंपोनेंट्स का ही यूज किया गया है। यहाँ पर चाइना से जो भी इम्पोर्ट्स है तो वो तो लगभग पूरी तरह से नाक के बराबर है क्योंकि स्पेशली जो लिथियम आयन बैटरी सेल्स होते हैं तो ये इन्होंने जापान, साउथ कोरिया और ताइवान से इम्पोर्ट कराया है। और यहाँ पर कुछ आर्टिकल में ये भी दावा किया गया है कि जो ये बैटरी सेल्स है तो वो पैनासोनिक कंपनीज के हैं, तो ये काफी ज्यादा रिलायबल है। अब सेकेंडली बात करते हैं रेंज की, क्योंकि हम सभी के लिए रेंज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफी ज्यादा स्कैर्सली अवेलेबल है तो एक बेहतरीन रेंज तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर सुहास राजकुमार जो कि को फाउंडर है इस स्टार्टअप के, तो उन्होंने कहा कि इसकी रेंज होगी 250 किलोमीटर के आसपास, लेकिन अगर हम इसे इको मोड में काफी बेहतरीन ढंग से चलाएं विद एफिशिएंसी तो इसकी रेंज 260 किलोमीटर तक भी जा सकती है। इसमें तीन फंक्शंस आपको देखने मिलेंगे, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। इको में ये दे सकता है 260 किलोमीटर का रेंज, नॉर्मल में 220 किलोमीटर और वहीं स्पोर्ट्स में 180 किलोमीटर का रेंज है। तो रेंज के मामले में तो ये काफी बड़ी बड़ी कंपनीज को भी डिफीट कर दे रही है सीधे सीधे। वहीं टॉप स्पीड की बात करें तो इसकी टॉप स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर की, साथ ही में काफी ज्यादा क्विक एक्सलरेट भी कर लेती है 0-50 किलोमीटर पर आवर इन जस्ट 3.2 सेकंड्स। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ एफिशिएंट बैटरी मैनेजमेंट एंड बैटरी टेक्नोलॉजी जो कि इन्होंने यूज की है। वैसे इन्होंने 4.2 किलोवाट आवर्स की बैटरी यूज की है जिसका कुल वेट है 6 kg का। और अच्छी बात तो यह है रिमूवेबल ऑप्शन के साथ ये बैटरी आपको मिलती है तो चार्जिंग के टाइम में भी यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा ये रैपिड फास्ट चार्जिंग के साथ भी आती है जहाँ पर 0-15% चार्ज हो जाएगा इन जस्ट 20 मिनट्स और वहीं 0-80% इन 40 मिनट्स। वेल अब यहाँ पर कई सारे लोग इसके प्राइस का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, तो लेट मी टेल यू इसके जो फाउंडर है सुहास राजकुमार, तो इन्होंने तक कह डाला है कि इसकी प्राइस 1.1 लाख से ज्यादा की नहीं होगी। अब ये प्राइस कई लोगों को ज्यादा लग रहा होगा क्योंकि हमेशा से हम ICE स्कूटर्स को ही यूज करते आ रहे, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म को देखते ही चले तो ये काफी ज्यादा इकोनॉमिकल भी होगी। इसका खुद उन्होंने एक बेहतरीन उदाहरण दिया है। मान लीजिए अगर कोई ICE स्कूटर को यूज कर रहा है फॉर 3 ईयर्स और इसका पेट्रोल का कॉस्ट आ चुका है 3 साल तक 50,000 रुपीज का, तो अगर वो इलेक्ट्रिक स्कूटर को यूज करते तो यही सेम खर्चा उन्हें पड़ता मात्र 4,000 रुपीज का ही। तो 3 साल में तो यहाँ पर 46,000 की ही सेविंग हो चुकी है। इन सब के अलावा आपको इस हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर में इंटरनेट कनेक्टिविटी और साथ में ब्लूटूथ जैसे कई सारे फंक्शंस भी मिल जाएंगे। सो जब ये मार्केट में लॉन्च होगी तो कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे ओला, एथर के लिए ये एक काफी बड़ा कंपटीशन होने वाला है। और रिसेंटली अभी खबर आई है कि सिंपल एनर्जी स्टार्टअप कंपनी अब $15 मिलियन यानी कि रफली आप कह सकते हो 112 करोड़ रुपीस रेस करने का सोच रहा है टू स्टार्ट देयर प्रोडक्शन। और मोस्टली इस साल के मिड तक ये इस फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्क 2 को लॉन्च कर देंगे। यहाँ पर कंपनी ने कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि अब ये जो फंड हम रेस करेंगे तो इसमें से 60% फंड्स को हम यूटिलाइज करेंगे टू बिल्ड स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जहाँ पर हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी 50,000 व्हीकल्स पर एनम की, और जो भी बचा हुआ फंड होगा तो उसे हम यूज करेंगे टू सेटअप अवर एक्सपीरियंस सेंटर, डीलरशिप और भी कई सारे पार्टनर्स के साथ। इसके रिलेटेड अगर आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको आर्टिकल की लिंक मिल जाएगी।